नाउ so स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये देखा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर बड़े एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो एक अच्छी फॉर्म में यूज़र को अवेलेबल होने चाहिए और ऑन द ऑन योर शॉपिंग कार्ट ऑन योर प्लेटफॉर्म तीसरा पॉइंट ये कि गेस्ट चेकआउट की फैसिलिटी होनी चाहिए वॉट कम नेक्स्ट इज इज साइकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट ख़रीदने गया हूँ ऑनलाइन शॉप पे और उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा अट्रस्ट वर्दी वेंडर नहीं दे रहा यानी वेंडर सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी कॉस्ट क्या है ये इसके अंदर इसके स्पेक्स क्या हैं स्टॉक में कितनी अवेलेबल है एंड सो ऑन आई एम नॉट आई एम नॉट हैविंग दैट दैट ट्रस्ट दैट यू नो दैट कॉन्फिडेंस कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ ख़रीद लूँ साइकोलॉजिकली अगर किसी और यूजर ने वो उस तरह का प्रोडक्ट खरीदा हुआ है पहले तो उस यूजर का एक्सपीरियंस क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में वो एक बहुत बड़ा की फैक्टर है मेरे लिए टू बिल्ड द ट्रस्ट अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी मैं अगर आईफोन खरीदने जा रहा हूं और उस पर्टिकुलर जो मॉडल आईफोन का उसके बारे में किसी यूजर ने नेगेटिव रिव्यू दिया तो ऑब्वियसली एंड साइकोलॉजिकली मेरा जो टिल्ट होगा थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा कि यार इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज और रेटिंग को इतनी अच्छी नहीं है ऑपोजिटली अगर किसी और यूजर ने उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिव्यूज दे दिए हैं तो देयर इज़ अ मोर लाइकलीहुड ज्यादा इस बात का चांस है कि जो परचेज मैं करने जा रहा हूं दैट वुड बी सक्सेस सो जो क्राइटेरिया या जो चीज ऑनलाइन कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर का कोर पार्ट का हिस्सा है वो ये है कि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस क्या है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और हाउ अदर पीपल रेट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप खरीदने जा रहे हो या आप खरीदने के बारे में सोच रहे हो यानी प्रोडक्ट रेटिंग एंड रिव्यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पर उस तरह की सिचुएशन में जब आपके सामने कोई फिजिकल चीज़ मौजूद नहीं है तो किसी भी ऑनलाइन uh, स्टोर का जो ट्रस्ट है वो ओवरनाइट नहीं बनता इन्हीं चीजों से बनता है कि हाउ दे आर डीलिंग अदर क्लाइंट्स हाउ दे आर सप्लाइंग सेम प्रोडक्ट टू अदर क्लाइंट्स इन विच यू आर इंटरेस्टेड आप एक चीज खरीदना चाहते हो तो ये जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो वही चीज उसी कंपनी ने या उसी प्लेटफॉर्म ने दूसरे क्लाइंट्स को क्या अच्छी फॉर्म में प्रोवाइड की है क्या दूसरे यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा है बुरा है एंड सो ऑन तो द चांसेस ऑफ चेजिंग इंक्रीजेस इफ द रेटिंग एंड फीडबैक इज गुड सो इसको हम लोग बोलते हैं आसान लफ्जों में इसको पेयर रिव्यू भी बोलते हैं कि मैं खरीदने जा रहा हूं तो खरीदने से पहले मैं ये देख रहा हूं कि और लोगों का इस चीज के बारे में क्या ख्याल है ये चीज़ तकरीबन आ, हर जो अच्छा ऑनलाइन स्टोर है लाइक एमज़ोन इस तरह के जो जो टॉप के ऑनलाइन स्टोर हैं ये जो फ़ीचर है ये बहुत क्रिटिकल है और तकरीबन हर ऑनलाइन स्टोर जो कि रिप्यूटेड है और ज़रा वेल नोन है तकरीबन हर ऑनलाइन स्टोर में ये फ़ीचर मौजूद है क्योंकि दिस फीचर अनेबल ख़ास तौर पे जो नए स्टार्टअप्स हैं नए ऑनलाइन स्टोर हैं उनमें ये फ़ीचर का बिल्डिन होना बहुत ज़रूरी है रीज़न के किसी भी फॉर एग्जांपल ख़ास पर पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे अभी ये चीज़ यू नो जनरेट हो रही है इंटरेस्ट लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है मोमेंटम गेन हो रहा है तो इस तरह की चीज़ें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान जैसे इको में सो लेट्स ट्राई टू सी के वट डज इट मीन ऑन एक्चुअल अमेजोन स्टोर कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट के रिव्यूज़ uh, एंड रेटिंग आनी चाहिए सो so, लेट्स सी कि हाउ अमेजोन इज हैंडलिंग इट सो स्टूडेंट्स लेट सपोज मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गया इफ आई लेट सपोज मैं यहाँ पे बुक लिख देता हूँ लेट सपोज ई कामर्स बिजनेस टेक्नोलॉजी सोसाइटी ये एक बुक है अब इस बुक के बारे में मैंने यहाँ पे क्लिक किया लेट सपोज़ यहाँ पर भी रेटिंग आ रही है लेकिन लेट सी अब ये एक बुक के बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई नाउ लुक हेयर ये प्रोडक्ट डिटेल है और उस प्रोडक्ट डिटेल के बाद लुक हेयर कस्टमर रिव्यूज फाइव स्टार फोर्टी टू परसेंट है फोर स्टार एट परसेंट है थ्री स्टार एट परसेंट है टू स्टार सेवेंटीन परसेंट है वन स्टार ट्वेंटी फाइव परसेंट है और ओवरऑल इसके जो स्टार्स हैं दैट इज थ्री पॉइंट टू आउट ऑफ फाइव अब ये वो फीडबैक है जो और कस्टमर्स ने इस प्रोडक्ट के बारे में दिया हुआ है सो साइकोलॉजिकली वेन एवर आई विल ट्राई टू बाय दिस बुक आई विल फर्स्ट मैं सबसे पहले देखूंगा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में अब यहां पे आ रहा है कि सी ऑल ट्वेल्व कस्टमर रिव्यूज मैं यहां पे क्लिक करता हूं एंड यहां पे मैं अपना रिव्यू भी लिख सकता हूं यानी लेट सपोज मैं यहां मैं पहले यहां क्लिक करता हूं तो ऑब्वियसली पहले मुझे यहां पर चेकआउट करना पड़ेगा अगर मैं चेकआउट किया हुआ तो मैं यहाँ पे अपना फीडबैक भी दे सकता हूँ और अगर मैं एग्जिस्टिंग लोगों का फीडबैक देखना चाहता हूँ तो ना लुक हेयर अब इंडिविजुअल फीडबैक भी आ रहा है मेरे पास कि डज नॉट हैव सेम कॉन्टेंट एज अ हार्ड कवर और ट्वेल्व एडिशन इफ यू बाय दिस फॉर अ क्लास रिटर्न इट ग्रेट बुक फॉर ई कॉमर्स एंड सो ऑन अब ये जो फीडबैक है मेरे लिए फ्रॉम द एज अ बायर व्यू पॉइंट बहुत क्रिटिकल है यानी ये वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं जो ये बुक ऑलरेडी खरीद चुके हुए हैं तो कुछ लोगों का फीडबैक अच्छा है कुछ का बुरा है तो इट ऑल डिपेंड सो ये जो रेटिंग एंड कस्टमर फीडबैक है ना या कस्टमर रिव्यू है ये बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है आजकल ऑनलाइन स्टोर की सक्सेस या फेलियर में